बाद आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एसी और डीसी में से क्या खतरनाक है ह्यूमन बॉडी के लिए, यानी कि हमारे शरीर के लिए एसी या डीसी में से क्या चीज़ खतरनाक है। हालांकि इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि करंट और वोल्टेज में से क्या खतरनाक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे जो आई का आइकॉन है साइड में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको वो वीडियो भी देखने मिल जाएगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि एसी और डीसी में से क्या खतरनाक है। वोल्टेज और करंट का तो उस वीडियो में मैंने बता दिया, लेकिन एसी और डीसी में से क्या खतरनाक है वो इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए निकेत शाह प्लस चैनल को और बेल आइकन का दबाइए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि एसी और डीसी दिखने में कुछ इस प्रकार से रहता है। अगर आपने कुछ मेरे वीडियोस देखे रहेंगे, पहले के जूने वाले वीडियोस भी, जिसमें एसी और डीसी को मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, उसमें बताया कि एसी जो है, आप अगर ओसिलोस्कोप पे एसी सप्लाई को देखोगे, ये देखने पर कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आएगा कि ऐसा एस जैसा रहेगा, उल्टा एस जैसे चलते रहेगा वैसा। इसको हम बोलते हैं साइकल्स, इसको हम लोग बोलते हैं साइकल्स। यानी इससे होता क्या है, इसको हम लोग एक प्रकार की फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं एसी सिग्नल की। और अगर डीसी को आप देखोगे तो एक सिंपल लाइन आपको नज़र आएगी। तो ये पहले तो एसी और डीसी में डिफरेंस है। हालांकि इसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन पहले कर चुका हूँ वीडियोज़ में, इसके लिए इसको डिटेल में ना सिखाते हुए डायरेक्ट पॉइंट पर आने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। तो ये है एसी और डीसी। अगर एसी को अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ समझाने की, तो एसी जो है इस तरह से वेव फॉर्म जो है, एक पल ऊपर एक पल नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, यानी कि इसका जो वोल्टेज है वो 0 से स्टार्ट होगा, फिर 240, फिर वापस 0, फिर 240 माइनस में, फिर 0, फिर 240, फिर 0, इस तरह से 0 240 0 प्लस माइनस इस तरह चल सकता है। इसके लिए इसकी जो फ्रिक्वेंसी बोला जाता है, यानी कि एक सेकेंड में लगभग ये 50 साइकिल फ्लो करता है, इसलिए हम लोग उसको 50 MHz बोलते हैं। हालांकि डीसी में ऐसा कोई सीन नहीं रहता, डीसी में वो कंटिन्यूस अगर 240 देता हो तो 240 ही कंटिन्यूस रहेगा, वो ज़ीरो नहीं आता है। जबकि ये एसी जो है वो 0 240 0 240 इस तरह से चलते रहता है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस कहलाता है। तो इसको साइकिल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आधा ऊपर का हिस्सा और आधा नीचे का हिस्सा मिला के, ये नेगेटिव साइकिल बोलते हैं और इसको पॉजिटिव साइकिल बोलते हैं, और ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं वन साइकिल। यानी कि हमारे लिए ये जो होगा वो एक सिंगल साइकिल के स्वरूप में आएगा, ठीक है। तो एसी के अंदर लगभग 50 साइकिल एक सेकंड में फ्लो होते हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं 50 Hz। ओके, तो ये पहले बेसिक चीज़ों में आपने समझ ली। अभी ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, हमारे शरीर की जो अंदर से रचना है वो कुछ इस प्रकार से है कि उसमें काफ़ी सारे रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है। हालांकि फिजिकल रजिस्टर और कैपेसिटर नहीं रहते हैं, हमारे शरीर के जो चमड़ी रहती है, जो मसल्स रहते हैं, अंदर के जो ऑर्गन्स रहते हैं, वो एक प्रकार के कैपेसिटर और रजिस्टर जैसा काम करता है। ओके, हालांकि ये जो चीज़ें रहती है वो सीरीज़ और पैरेलल में लगाई हुई रहती है, इस प्रकार से उसकी संरचना रहती है। इसे ही हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का इम्पीडेंस। ओके, तो इम्पीडेंस जो है वो इस प्रकार से रजिस्टर, कैपेसिटर और करंट फ्लो का जो मिक्सचर बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस की संभावना है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें बताई गई है वो आपको शॉक लगने के लिए कौन सी चीज़ें रहेगी तभी आपको शॉक लगेगा, तो ये सब चीज़ों को निर्धारित करके शॉक का आपको महसूस होता है। ओके, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जो को आपको समझनी पड़ेगी। ओके, अभी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एसी और डीसी के अंदर जो डिफरेंस है कैपेसिटर के लिए खास करके। अभी कैपेसिटर जो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अंदर रजिस्टर और कैपेसिटर का मिक्सर रहता है। ओके, तो कैपेसिटर क्या करता है, अगर मैं आपको कैपेसिटर की थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करूं तो एसी सप्लाई जो है वो कैपेसिटर से आगे बढ़ेगा अगर सीरीज में रहेगा तो, लेकिन डीसी सप्लाई रहेगा ना तो उसको ब्लॉक कर देता है। याद रखे, दोबारा दोहराता हूँ, एसी सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ता है और डीसी सप्लाई जो है ब्लॉक हो जाता है। ये मेजर डिफरेंस है कैपेसिटर के अंदर एसी और डीसी का। ये सबसे पहले आप दिमाग में डाल दीजिए, क्योंकि हमारे बॉडी किससे बनी हुई है, रजिस्टर और कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को आगे बढ़ाता है, लेकिन एक सर्टन लेवल तक ही डीसी ब्लॉक करेगा। यानी हमारे जो टिश्यूज़ रहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशी रहती है, वो कुछ हद तक डीसी को झेल सकता है। ओके, इससे मेरे हिसाब से मैं पहले ही बता दूं कि एसी ज़्यादा खतरनाक एज़ कम्पेयर टू डीसी। लेकिन इसको साबित कैसे करें, तो यहाँ पे एक चार्ट बताया गया है। इस चार्ट में बताया गया है कि अगर मैं डीसी करंट देता हूँ और एसी सप्लाई देता हूँ तो इन दोनों के बीच में हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट होगा, वो यहाँ पे दर्शाई गई है।
जैसे कि यहाँ पे देखो, आदमी और औरत के बीच में भी डिफरेंस करके बताया गया है कि अगर मैं डीसी सप्लाई देता हूँ 1.0 mA का, तो आपको थोड़ा सा हल्का सा मतलब आप कुछ नहीं होगा, मतलब महसूस कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर डीसी करंट में देता हूँ 5.2 mA का, तो आपको पेन थोड़ा सा हल्का सा पेन महसूस होगा। जबकि यही चीज़ अगर 1.1 mA एसी सप्लाई में अगर रहेगी तो आपको महसूस पहले हो जाएगी, मतलब ये 5 mA पे महसूस होती है, जबकि ये 1.1 mA पे महसूस होती है। अगर आपकी पेन ज़्यादा हो रही, मतलब आप यहाँ तक ही झेल पाओगे सप्लाई को, वो है 62 mA तक, मतलब 41 mA औरत में और 62 mA तक हम लोग बेसिकली झेल पाते हैं सप्लाई के। लेकिन अगर एसी सप्लाई रहेगा तो लगभग 9 mA तक का ही करंट हम लोग झेल पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्वेंसी रहती है ना, इसलिए फ्रिक्वेंसी नहीं रहती थी। ये दोनों में डिफरेंस है, इसलिए हम लोग डीसी करंट जो है ना, और हमारे मैंने क्या बताया कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं एक प्रकार के कैपेसिटर का काम करते हैं, इसलिए डीसी करंट उसको ब्लॉक करेगा जब तक हो सके, जबकि एसी उसको बाईपास कर लेता है। इस वजह से जो एसी में आपको शॉक पहले लग जाता है एज़ कम्पेयर टू डीसी। ओके, तो यहाँ पे ये चार्ट पूरा दर्शाया गया। इसको प्रैक्टिकली अगर आप करना चाहो तो आप एल्यूमिनियम की दो प्लेट ले लो, दोनों प्लेट में एसी का सप्लाई दो। ये जो है एसी का सप्लाई डायरेक्ट 230 वोल्ट्स का मत दे देना, यहाँ पे आप जो कंट्रोलेबल एसी सप्लाई रहता है उस प्रकार का लेना। जैसे ही सप्लाई चालू करोगे दोनों में, तो एक प्लस और एक माइनस पे आपके हाथ लगाओ, तो जनरली अगर मैं एसी सप्लाई दे रहा हूँ तो मैक्सिमम आपकी जो हाथ हाथ से अगर मैं सप्लाई दे रहा हूँ एल्यूमिनियम प्लेट्स के ज़रिए, तो लगभग 14 वोल्ट तक आपको महसूस हो सकता है वोल्टेज, और 14 वोल्ट तक आप झेल सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 वोल्ट, उससे ज़्यादा आपको एसी सप्लाई झेल नहीं पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 14 वोल्ट तो बहुत हो जाता है, लेकिन अगर इंसान थोड़ा सा हेल्दी रहेगा तो 20 वोल्ट तक खुद को झेल सकता है। 20 वोल्ट के साथ में याद रखें कि एम्पियर की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि आपका जो पेन झेलने की ताकत है वो लगभग 9 mA तक की झेल सकते हैं, तो 6 एम्पियर में तो आपको अच्छा खासा महसूस होगा हाथ में झनझनाहट जैसा, जो कि आपके मसल्स को वो तोड़ने का काम करेगा। ओके, तो 9 एम्पियर में तो मतलब 9 mA पे तो बहुत ज़्यादा असर होगा। तो ये तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी है झेलने की एसी सप्लाई को। इसी अगर मैं डीसी सप्लाई से उसको कंपेयर करूँ तो डीसी सप्लाई लगभग 45 वोल्ट तक हम लोग झेल सकते हैं, हालांकि 43 वोल्ट से लेकर 45 या 48 वोल्ट के बीच तक ही हम लोग झेल पाएंगे, उससे ज़्यादा डीसी वोल्टेज हम लोग नहीं झेल पाते हैं। और हम लोग एम्पियर की बात करें तो मिली एम्स यहाँ पे, जैसे कि एसी में थे 6 mA, ये लगभग 20 mA का मैं सप्लाई झेल पाता हूँ। तो ये डिफरेंस है एसी और डीसी के अंदर। ओके, तो इस हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ कि एसी जो है ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू डीसी, क्योंकि एसी के अंदर फ्रिक्वेंसी है उसकी मेजर जो कामयाबी है एसी को हासिल हुई है, जो झटका देने की, वो उसकी फ्रिक्वेंसी की बदौलत हुई है, जबकि इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं है। इस वजह से ये 45 वोल्ट यानी कि दुगना वोल्टेज तक हम लोग झेलने की कैपेसिटी हमें मिल जाती है। तो ये है एसी और डीसी के डिफरेंस कि किस में हमको ज़्यादा शॉक लगता है। ओके, तो अगर मैं इसी को थोड़ा सा कंपैरिजन चार्ट के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करूँ, तो लगभग अगर मैं 10 वोल्ट देता हूँ तो ये 4 एम्पियर का सप्लाई देता है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी है ना। तो अगर मैं डीसी को 10 वोल्ट देगा तो लगभग उसमें जो करंट फ्लो होता है वो बहुत कम होता है। ओके, 2 से 3 mA का करंट फ्लो होता है। ये कंपैरिजन चार्ट है, हालांकि कंपैरिजन चार्ट आपको समझ में नहीं भी आया तो छोड़ दीजिए, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए उससे समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हो। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आप इसी प्रकार से मुझे सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को, प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि वीडियो कैसा लगा। ओके, चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।